बुरी वाली थकान हो चुकी है, अभी आधी दूरी आए हैं, लेकिन प्लान किया था कि घोड़े से नहीं जाएंगे और नहीं जाएंगे। ये है घोड़े, लेकिन जाएंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए जाएंगे तो पैदल। बेस कैंप है अमरनाथ के, ठीक है। तो यहाँ मैं आया तो मुझे आइडिया नहीं था कि कहाँ खाना खाएंगे, कैसे होगा, कहाँ रहना है, कहाँ कुछ होगा। तो बहुत सारी क्वेरीज थी, कोई सॉल्यूशन था नहीं, आइडिया भी नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक दो बातें हैं जो शेयर करनी थी। एक तो सबसे पहले जो है, मैं सिम लिया BSNL का 250 और मिला स्टॉक टाइम है उसमें, और मतलब वही नेटवर्क आता है, खाली उसमें भी नेट नहीं चलेगा, खाली टॉक टाइम मतलब बात कर सकते हैं जैसे, और वही काम करता है फिर। हाँ, बाकी रही यहाँ की बात, अलग अलग स्टॉल हैं मेरे अगल बगल, मेरे बेसिकली आप कुछ भी होगा, रेनकोट, जैकेट, बैग, यात्रा सब है अलग अलग। ट्रैक बना हुआ बेसिकली, ये पूरा एक इधर कैंप है हमारे, मेरा भी कैंप इधर ही है, और ये बेसिकली एक ट्रैक बना हुआ है पूरा, तो उसी में चल रहे हैं, ये ट्रैक हैं। सब कुछ आपको जितनी अमेनिटी मिल जाए, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, मतलब जितना आपने मिलता है उससे भी कई बार कई चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। बहुत सारे वुडन मतलब वुलन वगैरह की भी चीज़ें हैं, ठीक है। मेन जो दिखाना था मुझे वो ये दिखाना था खाने का, मतलब जो कि फ्री है बिल्कुल, तो कुछ भी आप खाइए फ्री है, और बहुत एहसान नहीं है, मतलब आपको बुला बुला के रिस्पेक्टफुली आपको खिलाएंगे। अलग अलग ट्रस्ट हैं जो लगाते हैं, किसी का बाईसवा है, ये दिल्ली है, आप देख सकते हो, और अलग अलग साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छा खाने लायक खाना है। स्टॉलें हैं पूरा, ये जो लंबा लंबा है इसमें सारी स्टॉलें हैं। बहुत टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी, एकदम घर जैसा खाना मिलता है, बिल्कुल घर जैसा, सैलेड भी देखना है यहाँ सब चीज़। ये देखें, अब खाने पीने की हुई है तो और बेसिक एमिनिटीज़ भी चाहिए, तो उसके लिए क्या बड़ी क्वेरीज होती है ना। मैं फर्स्ट टाइम जैसे आया हूँ तो मेरे मन में बहुत सारी क्वेरीज थी, धीरे धीरे ऑलमोस्ट सारी ख़त्म ही हो रही हैं। तो ये है, ये सिस्टम है, ये सामने जो है टॉयलेट है, ये ऊपर लेडीज़ टॉयलेट है, अलग अलग रखा हुआ है, ये टॉयलेट है, और इस तरह का बाथरूम है, ये सारे बाथरूम हैं, पानी है। डू नॉट वेस्ट वाटर, देखिए कितने सारे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा उतना आप स्केल नहीं है, और ऑब्वियसली आप यात्रा पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वो करना पड़े। ये सारे टेंट हैं, सब सारे टेंट हैं जितने भी हैं, शेयरिंग बेस पे हैं बेसिकली, चार पांच लोग आप हो तो ज़्यादा बेहतर है, अकेले हो तो किसी के साथ शेयर करना पड़े। 250-250 रुपये में मिल जाता है बेड वाला, विदाउट बेड वाला 200 रुपये में, 150 रुपये में, ऐसे करके मिलते हैं। तो ये पूरा है माहौल बनाया हुआ है सब कुछ, चले जाओ कहीं पे, कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है, सारा अच्छा वेदर है, देखो ठीक है। तो ये है अभी तक, तो बाकी सुबह कल 5 बजे उठना है, जल्दी उठना है, तो ऑब्वियसली जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ करना है तो ज़्यादा कुछ है नहीं, खा पी सकते हो, वॉक कर सकते हो,
ये नेचर के मज़े ले सकते हैं बस। और जाना है, ये पहलगाम है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। यहाँ से 12 किलोमीटर है, बस से जाते हैं चंदनवारी, चंदनवारी से तो पैदल यात्रा है। हाँ जी, हो रही है बारिश सारे। सुबह के बज गए 6। तो अभी तो बस बारिश के मज़े ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, यहाँ सारा लंगर लगा हुआ पीछे की तरफ करेंगे, फिर देखते हैं क्या लोग ढोकला ही खिला दो भैया, यही अच्छा रहता है। अब यहाँ तक गाड़ी आती है, चंदनवारी बोलते हैं इसको। ये गाड़ी यहीं रोक दिया है और ये सामने सिक्योरिटी चेक है, अभी रोका हुआ है जाने वालों को। कोशिश करता है सीढ़ियाँ हैं, मौसम में बारिश हो रखी है, धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत ये जर्नी हो गई 3 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर है ना, बुरा हाल है किसी और दूरी। और इसके बाद आएगा शेष में, वहीं पे स्टॉपेज है आज का डे वन, 50% जर्नी कम्प्लीट होता है। देखिए जब आएगा तो आएगा, अभी तो नज़ारे हैं, घूम रहे, मौज अजी बोलेगी राज में, क्या बोले। मौसम बहुत अच्छा है तो एग में बस वेट थोड़ा कम कैरी करें और कुछ नहीं। ये डंडा है जी, सबसे भरोसा नहीं चल रहे हैं। रेनकोट ज़रूरी है, काफ़ी मज़ा आया, आनंद है, नेचर का मज़ा है, सबसे बड़ी बात है। ऑल द वे वो ऊपर जाना, सबसे टॉप पर किचू टॉप है, वहाँ पर वहाँ जाना है, तकरीबन है 2-2.5 किलोमीटर यहाँ, वहाँ जाना है और ये रास्ता जाने के। हाँ, बारिश बंद हो गई है तो रेनकोट हो गया था। चलो जी चलते जाओ, चलते जाओ। जय जी। ये जी रास्ता सामने का पूरा क्रॉस करना है, खतरनाक है। बढ़िया बढ़िया सीन आते हैं, मजे करो, वादियाँ। एक ये देखो, ये भी नज़ारा है, अजी बढ़िया नज़ारा। रास्ता वो है, ओ जाना है पूरा ऊँची पहाड़ी, जगह जगह में शेल्टर है ये रुकने के लिए, रुकने के लिए। जय बोले बाबा, ओ नज़ारा आ गया। चले हम लोग तकरीबन 8-9 किलोमीटर, ये भंडारा है पानी बगल में, और सुंदर लग रहा है देख, बहुत ही अच्छा खाना होता है, मतलब एकदम घर जैसा खाना, मज़ा आ जाता है। तो यही मज़े हैं भाई भोले के दरबार में, हर हर महादेव। ये देख खराब हो गया भाई, खराब हो गया, बम बम बोले खराब हो गया। ये है सामने थोड़े इसमें वही माउंटेन्स है, ये देखें ग्रीनरी कितनी है, ये देखें, ये भंडारा है इधर, ये ऊपर से मक्के की रोटी सरसों का साग, बहुत मजा आ गया। बस जी बस, जय बोले ये अब तक का सबसे पतला रास्ता है, सबसे नैरो रास्ता है ये वाला।
ये खिसक गया ना नीचे, ये देखो खिसक गया, ये था पहले देखो वहां तक खड़ा। ओहो ब्यूटीफुल, ओले धीरे जाए जी। सब है यहाँ पे, कीचड़ मिलेगा, पानी मिलेगा, ये तो पता नहीं क्या है, ये भी मिला, नज़ारे भी। तेरा नहीं लिखते हैं तो तेरा को लिखना ही शॉर्ट फॉर्म है, 9+4 वा तेरवा, बहुत पुराने पुराने हैं ये भी नहीं। बोले यहाँ जाना है, ये देखिए जी पानी का खेल है, वो तो सामने कितना शांत है और यहाँ आके एकदम आक्रामक। बेस कैंप है ये शेषनाग का, ऑलमोस्ट 50% जर्नी कंप्लीट बोलते हैं, किलोमीटर वाइज ये कम है लेकिन थोड़ा टफ है ये, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर आज डे वन में खत्म और कल डे टू में 20 किलोमीटर जाना है होली के। ये खतरनाक, तो ये रास्ता सही बात है, यही होना चाहिए, दूर दूर तक कोई नहीं, बस रास्ता है और हम हैं, बस इन्हीं का साथ है, बस जलवायु आकाश। इतने दिनों की मेहनत थी, रजिस्ट्रेशन कराना, मेडिकल कराना, इजीली तो हो गया, थोड़ा टाइम देना पड़ता है तो उसका फल मिल रहा है। आराम करेंगे यहाँ पर, दिल्ली का भंडारा है बहुत फेमस वो लगता है यहाँ पर, वहाँ बताते हैं कि शायद ही कोई ऐसा डिश है इंडियन जो वहाँ नहीं है अवेलेबल, बहुत अच्छी बात है, खाने पीने का तो यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं है, कुछ भी खाइए कितना भी खाइए। ये जी भंडारा नीचे अगला स्टॉप हमारा, यहाँ का सबसे बड़ा भंडारा है, ये पैरों की मसाज भी फ्री होती है। क्या बोले, ये मसाज है, मसाजर है, मीठी लस्सी है, आम पन्ना शेक है, ग्लूकोज बादाम से, पॉपकॉर्न है, ये रास्ता भैया खजूर देंगे, बहुत है
जाओ। कुलचा भैया सुन रहे हैं, मशरूम ग्रिल चीजें भी हैं। राइस अलग अलग है, बिस्कुट वगैरह आप ले जा सकते हो, चाहे ग्रीन टी कॉफी या कॉफी चॉकलेट वगैरह। एक चीज बताना रह गया, बड़ी मेरी तो फेवरेट है मोमोज। भाजी मोमोज है? हाँ थोड़ा सा भैया वेज होंगे ना? बहुत 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 जा बोले भैया जी, क्वांटिटी जरूर कम है लेकिन दोबारा दे देता हूँ। रास्ता नाम का है, रास्ता तो बनाना पड़ता है लेकिन अच्छा है। स्लोप है अभी तो मेहनत थोड़ी कम लगती है, भागते जाओ भागते जाओ, वे भाग नहीं पाते हैं। भागोगे अगर आप तो क्या होगा कि आप लड़खड़ा के गिर जाओ, पैर आपका बेंड हो जाता है। आप चल रहे हो लगातार दो दिन से तो ना स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सराउंडिंग का ये रास्ता है, ये सामने पूरा जा रहा है, सामने जाएंगे। गेट बंद हो जाता है 3 बजे, अगर आपको आगे जाना है गुफा की तरफ तो यहाँ गेट बंद हो जाता है 3 बजे। अभी बजे 2:30 इसलिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। किलोमीटर रह गई है बस, और ये जो जगह है संगम 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 कहलाती है, क्योंकि संगम इसलिए यहाँ दो रास्ते हैं। एक वो जो सामने है पैदल लोगों के लिए है जो बालटाल जाते हैं, ये घोड़ों के लिए जो बालटाल से जाते हैं, और ये पहलगाँव वाला रास्ता चंदनवाड़ी वाला, जिससे कि गुफा वो सामने है बिल्कुल एक्जैक्ट जो एरिया दिखाई दे रहा है। और अभी बंद हो जाता है 6 बजे तो कोई फ़ायदा नहीं है, 15 मिनट कल सुबह जाएंगे ना तो सामने बिल्कुल वो है। अमरनाथ यात्रा ठंडा बहुत सारी जगह बर्फ पड़ी हुई है पीछे से, कैंप से रेडी वेडी होके आए हैं सुबह, रात में पहुँचे थे तो तब दर्शन बंद हो जाते हैं तो अभी शुरू हुआ है। और वो सामने गुफा है ऊपर, ओ तो बस उधर ही जा रहे हैं, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में, वहाँ जाके दर्शन करते हैं। और वैसे कैमरा अलाउड नहीं है, देखते हैं कहाँ तक ले जाने देते हैं, तो देखते हैं। ये व्यू है, लास्ट स्टॉप है यहाँ, कैमरा अलाउड नहीं है, यहीं से दर्शन कर ऊपर कोई गुफा। ठीक है चलिए मैं दर्शन करता हूँ।